सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एरेज क्या होते हैं, C++ में एरे हम लोग क्यों बनाते हैं और हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ती है एरेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग को एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेमो फाइल बना के रखी है। तो इस डेमो फाइल में मैं जल्दी से एक अपना जो डेमो कोड है वो लिख देता हूँ, रिटर्न 0 लिख दूँगा। इसके बाद चलिए, अब मैं मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स दूंगा और आपको उस मार्क्स में दो नंबर ऐड करके उसको प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल से एक वेरिएबल बनाएंगे मार्क्स नाम के और यूज़र से नंबर ले लेंगे एक सीन मार्क्स पे ऐसे, और उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क्स में दो वैल्यू सीन से पहले एसटीडी लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मार्क्स में आप दो ऐड करके यूज़र को प्रिंट कर देंगे। तो एसटीडी सी आउट मार्क्स प्लस टू, हो गया आपके काम और ये कोड चलेगा, बिल्कुल सही है, चलेगा। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको पांच सब्जेक्ट के मैं मार्क्स दूंगा एक स्टूडेंट के, तब आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक वेरिएबल में तो आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करेंगे, तो आप ऐसे मार्क्स वन मार्क्स टू ऐसे करके पांच वेरिएबल बनाएंगे डिफरेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आपके कोड के रिपीटेशन बढ़ रहा है, मतलब कि आप एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस रिपीटेशन को, कोड को हटाने के लिए एरे का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं कि एरे की डेफिनेशन क्या है, वर्किंग क्या है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग पहले, उसके बाद आके हम लोग उसकी सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा आइटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंगल नेम। तो भाई एरे क्या होता है कि सबसे पहले डेफिनेशन बता देते हैं, फिर जानते हैं क्या होता है। तो भाई जो एरे है, एरे होता है कि सेम डेटा होता है एरे के अंदर। तो एरे एक कलेक्शन होता है सेम डेटा का, जिसको सिर्फ एक ही नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हम लोग अपनी पुरानी प्रॉब्लम देखें, तो वहाँ हम लोग को क्या था, एक ही स्टूडेंट के पांच सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने थे, पर हम लोग को पांच वेरिएबल बनाने पड़ते हैं अलग अलग। तो एरे क्या करता है, वहाँ पे उन पांचों डेटा को जो कि इंटीजर टाइप के होते हैं, उनका एक कलेक्शन बना देता है और उनको एक ही नाम से रिप्रेजेंट करता है। ये काम है एरे का। चलिए इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल वे में देखें, तो जैसे कि हम लोग के पास पहला वेरिएबल था मार्क्स, तो उसमें हम लोगों ने 10 डाला, तो मेमोरी में एक ऐसे ब्लॉक बनता, उसमें 10 वैल्यू जाती नॉर्मल, ओके। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग को एरे में करनी हो पांच सब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग इस तरह से नहीं दिखा सकते उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से करते हैं। ये एरे की सिंटैक्स होती है। मान लीजिए हम लोग को उसके चार सब्जेक्ट के स्टोर करने हैं, तो जो चार सब्जेक्ट के हमको उसको स्टोर करने हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो डेटा टाइप बताएंगे कि भाई एरे का डेटा टाइप क्या होता है। तो हम लोगों ने लिखा इंट मार्क्स 4, इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट इन ब्रैकेट्स को 4, कि हाँ भाई चार सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने। फिर हम लोगों ने चार सब्जेक्ट की वैल्यू दी उसको 10, 20, 30, 40। अब मेमोरी में क्या होगी, चार कंटिन्यूस ब्लॉक ऐसे एलोकेट हो जाएंगे और इस चारों ब्लॉक का नाम होगा मार्क्स। अब आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता लगेगा किस ब्लॉक की वैल्यू क्या रखनी है। तो उसके लिए एरे में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे करके पहले ब्लॉक को मार्क्स 0, दूसरे ब्लॉक का नाम होगा ऐसे मार्क्स 1, तीसरे का मार्क्स 2 और लास्ट वाले का मार्क्स 3। 0 से स्टार्ट हुआ तो 3 तक जाता है, चार टोटल ब्लॉक हो गए 0, 1, 2, 3। तो ऐसे सबका नाम मार्क्स ही होगा, लेकिन उसके साथ एक इंडेक्स बनने लगती है, इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं 0, 1, 2, 3। तो 0th इंडेक्स पे 10, 1st इंडेक्स पे 20, 3rd इंडेक्स पे 30, 4th पे 40, ऐसे सारी वैल्यूज़ लाइन से स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग को बहुत सारे वेरिएबल्स रिपीटेशन नहीं करना पड़ा कोड का। वही अगर हम लोग ऐसे चार वेरिएबल बनाते हैं, तो हम लोग मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, चार सेपरेट वेरिएबल्स हम लोग को बनाने पड़ते वैल्यू स्टोर करने के लिए, जिससे हम लोग एक ही कोड का बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एरे को बनाया गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब एरे को कोड में बना के देखते हैं ये एरे की सिंटेक्स कैसे है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क्स हैं, तो मान लीजिए मुझे पांच सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करें, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। और मैं यहाँ अब एरे में तुरंत अगर अब मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी है, यूज़र से वैल्यू अभी नहीं लेनी है, यूज़र से वैल्यू लेने के बाद मैं बाद में करूँगा एरे में कैसे वैल्यू लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो क्या करते थे, मार्क्स इक्वल्स टू 10 लिख देते थे। पर अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आपके समझने के लिए। और यहाँ पे मैं दोबारा से इंट मार्क्स नाम का एक और वो बनाता हूँ, और इसमें मुझे यहाँ पे सब्सक्रिप्ट का साइन लगाऊंगा। अब मुझे साइज़ बताना है कि कितना साइज होगा मेरे एरे का, कितने ब्लॉक बनाए वो मेमोरी में, तो बना देगा मान लो कि 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग, अब
यहाँ पे ये वाले हम लोग करली ब्रैकेट के साइन लगाते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए एरे को, और इसके बाद सेमी कॉल। अब मुझे यहाँ पे पांच वैल्यूज देनी है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पांच वैल्यू दे दी। तो अब देखिए सी आउट करूँ मैं यहाँ पर और एरे की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मार्क्स लिख दूँ ऐसे करके STD cout marks, ओके, और मैं सेमी कॉलन लगा दूँ यहाँ, ओके। तो चलिए प्रोग्राम को पहले चला के देखते हैं क्या होता है। मेक डैमो, ओके, ./demo। तो ये देखिए, अगर मैंने जब यहाँ सिर्फ मार्क्स लिखा तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये क्या प्रिंट हो गया भाई। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मार्क्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि ये आपको, ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है जो आपको क्या कर देता है, एड्रेस रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आपको यहाँ सब्सक्रिप्ट में, इसको पॉइंटर बाय ऑफसेट बोला जाता है, जो ये ब्रैकेट्स हैं इनको बोलते हैं तो हम लोग सब्सक्रिप्ट हैं, बट ये अगर इनसे एक्स वैल्यू एक्सेस कर रहे हो तो इनको पॉइंटर्स बाय एक्सेसिंग बाय ऑफसेट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं मार्क्स ऑफ जीरो लिखूंगा कि हाँ भाई जो ब्लॉक बने मेमोरी में से चार, तो उनमें से जीरो एथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। मैं इसको यहाँ सेव करूँगा और मैं दोबारा से इसको मेक करूँगा और ./demo लिखूँगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली लाइन को चार बार ऐसे नीचे लिख ले, पांच बार नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पांच वैल्यूज बनाए, यहाँ 1, 2, 3, 4। और मैं क्या करता हूँ कि इसको वापस से मेक करता हूँ, एक बार कंसोल क्लियर करके दोबारा से इसको रन करता हूँ। तो अब आप यहाँ देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50 हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। तो एरे इस तरह से कुछ काम करता है। तो अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि अगर आपको इसमें से किसी उसकी किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी लोकेशन की वैल्यू चेंज करनी है किसी भी इंडेक्स पे, तो आप सिंपल मार्क्स और उस इंडेक्स पे से मान लीजिए यहाँ पे ये 40 की वैल्यू चेंज करके 70 करनी है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल मार्क्स 3 लिख के इक्वल्स टू 70 लिख के इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे अगर दोबारा से प्रिंट करूँ STD cout marks of 3, तो अब देखिएगा कंसोल पे क्या प्रिंट होता है। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, मैंने इसको रन किया, तो ये देखिए सबसे पहले तो ये ऊपर वाली, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक बार एंडल और लगा देता हूँ जिससे कि आउटपुट सही से प्रिंट हो और आपको सही से समझ आए। तो चलिए मैं आपको आज ये एसटीडी हटाने की एक ट्रिक और बता देता हूँ इसी वीडियो के साथ। तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख के एक बार ही ऊपर एसटीडी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो है वो आपके प्रोग्राम के नेम स्पेस में ऐड हो जाएगा। इससे आपको यहाँ पे क्या है, हर लाइन के साथ एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप चाहें तो एसटीडी यहाँ से सब जगह से हटा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सब जगह पे एसटीडी लिख देता हूँ एक साथ। तो इसको बोलते हैं मल्टी कर्सर एडिटिंग, जो मैं अभी करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं एक साथ कई जगह पे लिख सकता हूँ। आप चाहें तो अगर आप मैक में हैं तो आप ऑप्शन के साथ क्लिक करके इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंडल लिखूँगा, और ये देखिए मैंने सब जगह एक साथ एंडल लिख दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से मेक करता हूँ, कंसोल क्लियर करके इसको रन करता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए सबसे पहले जो हमारा ये पांच बार ये प्रिंट होना था, ये प्रिंट हो गया 10, 20, 30, 40, 50, ओके। और जो लास्ट में मैंने ये वाला प्रिंट किया, तो ये क्या हुआ, अपडेटेड वैल्यू 70 जो मैंने यहाँ डाली थी वो अपडेट होके प्रिंट हो गई है। तो एरे में हम लोग कोई भी वैल्यू कैसे भी चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। पर अगर क्या होगा कि आपने कभी पाँच का एरे बनाया है और आपने कभी मान लीजिए एक वैल्यू डालना भूल गए, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं चला के। इसको हम लोग, चलिए ये चीज़ हम आपको बताते नहीं, ये चीज़ आपको चला के देखते हैं, चला के दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होगा, आप खुद बताइएगा ये चीज़। तो उन्होंने चलाई, देखिए तो आपको यहाँ पे जैसे कि समझ में आ गया होगा आउटपुट देख के। तो अगर हम लोगों ने कभी पाँच साइज का एरे बनाया, मान लीजिए पाँच ब्लॉक बने मेमोरी में, तो क्या होता है कि मेमोरी में पाँच ब्लॉक बने तो सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो असाइन हो गई। उसके बाद हम लोगों ने चार इंडेक्स तक की तो वैल्यू दे दी, 40, 10, 20, 30, 40, बट जो पांचवे की थी तो नहीं दी, तो पांचवे वाले इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से एरे हमारे मेमोरी में काम करते हैं। चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल।